राइट अब आउट द विकेट, गेंदबाजी करेंगे और स्ट्राइक पर सानी। मुझसे राइट आर्म और देगा, एक अच्छे खिलाड़ी एक अच्छा ऑलराउंडर है शाइन गॉन करके। राइट आर्म और द विकेट, श्री के अंपायर को क्रॉस किया और पहली गेंद पर एक करारा षटकार, बहुत ही लंबा सिक्स सामी से आया अंदर है। पहली गेंद पर अपना आकार ओपन किया छह रन से सामी ने। इसके बाद होने वाला मुकाबला आजाद आर्मी बनाम पावड़ा। राइट आउट राउंड विकेट, डॉलर सुर की अंपायर को क्रॉस किया, ओ फिर से अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा शॉट, दो रन स्कोर में जा हुआ, स्कोर 8 रन, दो रन स्कोर में जा हुआ, स्कोर 8 रन। अस्सलाम वालेकुम तमाम शायकीने क्रिकेट का, मैं स्वागत करता हूं, मैं अथर पिनकर लेके चलता हूं इस राउंड की तरफ। चलता है मुकाबला शाइन गोरंगर और वहुड़ के दरमियान, पहले ओवर का ओवर, पहली ओवर जारी जहां पे मुसेब गेंदबाजी के लिए आए हैं। तीन गेंदे और 9 रन हो चुका है टीम का स्कोर। बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पे समी के बल्लेबाजी से देखने मिल रही है। पहले गेंद पे छक्का लगाया, फिर दूरी, फिर एक सिंगल, अब स्ट्राइक चेंज होने के बाद पहली दफा इस इनिंग में मुसेफ की गेंदबाजी का सामना करेंगे ताबिश। देख रहा होगा ताबिश किस अंदाज से बल्लेबाजी करते हैं मुसेफ के खिलाफ। एक मुसेफ एक बेहतरीन गेंदबाज, मुसेफ राइट मॉडल करते चले ताबिश के लिए। इस दफा और पिच लाइन के गेंद को सीधा लॉन के ऊपर से खेला है, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए सीमा रेखा पार, 6 रनों के लिए यह छटकार। बेहतरीन यहाँ पे स्वागत किया मुसेफ की गेंदबाजी का। पहला गेंद फेस करते हुए यहाँ पे ताबिश ने अपने जाराना मोड में लंबा हिट लगाया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए। फिर से एक बार मुसेफ देख रहा होगा किस अंदाज से गेंदबाजी करते हैं ताबिश के लिए। मुसेफ अपने धीमे धीमे कदम से चले राइट आर्म ओवर द विकेट, राइट आर्म राउंड द विकेट से फिर तो फिर से एक दफा इसमें गेंद को हवा में उछाला है। गेंद हवा में है और एक टप्पा खाने के बाद गेंद सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए स्कोर में बढ़ोतरी। स्कोर जहां पहुंचा 19 रन, लॉस्ट ऑफ 0 विकेट। अभी भी आखिरी गेंद आना बाकी इस ओवर का। फेंकने मुसेफ काफी महंगे आते साबित होते हैं पहला ओवर जो पावर प्ले का। आखिरी गेंद इस ओवर का, राइट आर्म राउंड विकेट से मुसेफ आखिरी गेंद लेके अपने ओवर की। मुसेफ फिर से एक दफा देखता होगा ताबिश किस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। मुसेफ चले अपने अंपायर को पार किया, विकेटों को पार किया, इसे स्लो ओवर गेंद और इसे थोड़ा लॉफ्ट किया है, हवा में गेंद है, फील्डर उस गेंद के नीचे भागते हुए नो मैन्स लैंड में गेंद गिरी, वहां पर 1 रन छुड़ा, 2 रन चाहते हैं समी, लेकिन यहां पे ताबिश ने मना किया। इसी के साथ एक ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 20 रन, लॉस्ट ऑफ 0 विकेट। देख रहा होगा दूसरी ओवर लेके शाइन गुनगर की जानिब से कौन आता है। बेहतरीन यहाँ पे जाराना मोड में बल्लेबाजी करते हुए समी और ताबिश, इससे ही पहले जो मैच हुआ था मॉर्निंग स्टार के खिलाफ उसमें भी बेहतरीन बल्लेबाजी की थी इन दोनों बल्लेबाजों ने। यकीनन वहां पे जीवनदान भी मिला था दोनों बल्लेबाजों को, लेकिन उसका पूरा भरपूर फायदा उठाया था और एक बड़ा लक्ष्य खड़ा किया था। देख रहा होगा अब दूसरी ओवर लेके गुनगर की जानिब से कौन आता है। बॉलर नेम फरहान ताबिश के लिए। ताबिश अपने निजी स्कोर 11 पे खेलते हुए उनका साथ देते हुए यहां पे समी वो भी 8 रनों पे खेलते हुए देख रहा होगा अब फरहान की गेंदबाजी कैसा सामना करते हैं। फरहान इस दफा इस इनिंग में पहली दफा गेंदबाजी के लिए टीम के जानिब से दूसरा ओवर लेके अपने कोटे का पहला ओवर लेके फरहान एक बड़ा रनअप। देख रहा होगा किस अंदाज से गेंदबाजी करते हैं इस जाराना बल्लेबाज के सामने, बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पे करते हुए ताबिश। फरहान चले ताबिश के लिए, इस दफा हल्की गेंद स्लो ओवर गेंद को डाला था इस दफा, इसे 1 रन चुराया और आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल यहां पे किए।
इस 2 रन की मदद का स्कोर में इजाफा, स्कोर जा पहुंचा 22 रन। फिर से इजाफा फरहान, इस दफा और पिच लाइन की गेंद इसे सीधा गेंदबाज के सर के ऊपर से खेला है, 1 रन चुराया और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। स्कोर में इजाफा, स्कोर जा पहुंचा 23 रन। बेहतरीन यहां पे 2 गेंदें यहां पे डाली है फरहान ने, थोड़ा सा अपने गेंदबाजी में मिश्रण करते हुए यहां पे फरहान देख रहा होगा पहली दफा। अब समी उनके सामने, समी ने पहले ओवर में 3 गेंदें खेली थी और 9 रन बना के वहां पे अभी भी क्रीज पे मौजूद देख रहा होगा समी। अब कैसी बल्लेबाजी करते हैं फरहान के सामने, फरहान 2 गेंद अच्छी लाने के फिर से एक दफा चलते हुए अपने धीमे धीमे कदमों से राइट आर्म ओवर देखते हैं पहली दफा समी के लिए। इस दफा फिर से एक बार स्लो ओवर गेंद, एक लंबा हिट लगाना चाहते थे, अंपायर से वाइट की रात मांगी, अंपायर ने नकारा यहाँ पे डॉट बॉल, स्कोर वहीं पे तमाम हुआ। बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पे देखने मिलती है फरहान, यकीनन मुसीफ की गेंदबाजी का यहाँ पे पूरा उसे बैकअप मिलता हुआ है, देखता होगा कैसा गेंदबाजी करते हैं फरहान। 3 गेंदें अच्छी डालने के बाद और 3 गेंदें अच्छी डालना पड़ेगी यहाँ पे, कवर करना होगा स्कोर को। अब फिर से दफा फरहान अपने और की चौथी गेंद लेके अंपायर को पार किया, थोड़ा सा हल्का सा रन अप यहाँ पे दुश्वारी पैदा होती हुई। फरहान देख रहा होगा समय के लिए, एक डॉट का गेंद डालने के बाद फिर से इस दफा स्लो ओवर गेंद, चकमा यहाँ पे बल्लेबाज को चकमा देते हुए, बेहतरीन गेंद लेकिन डायरेक्ट हिट लगाना चाहते थे लेकिन वहां पे नाकाम रहे फील्डर, 1 रन चुराया। स्कोर में इजाफा, स्कोर जा पहुंचा 24 रन। बेहतरीन अपने गेंदबाजी में मिशन करते हैं और फरहान बहुत ही अच्छी गेंदबाजी देख रहा होगा। अब ताबिश यकीनन लंबे हिट लगाने होंगे वहूर के टीम को, एक लंबा लक्ष्य खड़ा करना होगा। तो वहां पे फरहान टीम की जानिब से दूसरी ओर लेके अपने कोठी की 5वीं गेंद लेके फरहान देख रहा होगा राइट आर्म ओवर, ब्लॉक होल्ड पे गेंद को डाला यहाँ पे किल्ला बिखारते हुए यहाँ पे फरहान, क्या गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा यहाँ पे देखने मिल रहा है। 5 गेंदें डाली है और सिर्फ 4 रन खर्च किए यहाँ पे, बेहतरीन गेंदबाजी। कहाँ ना कहाँ जो पहले ओवर में काफ़ी रन खर्च किए थे मुसेब ने, यकीनन उस स्कोर कार्ड को बराबर लाते हुए यहाँ पे फरहान बेहतरीन गेंदबाजी, पहला झटका लगता हुआ वो ओवर की टीम को ताबिश शुरू में। अब ताबिश की जगह संभालने फहद पटेल आखिरी गेंद इस ओवर का, यकीनन हल्का सा लो फुल टॉस गेंद था लेकिन उसे ब्लॉक करा बैठे और वहाँ पर विकेट जाता हुआ ताबिश का। अब आखिरी गेंद लेके फरहान था फहद के लिए, फहद इस इनिंग में पहली दफा बल्लेबाजी के लिए आते हुए पहला गेंद का सामना करेंगे यहाँ पे फरहान के। फरहान फहद के लिए, फहद फरहान की गेंदबाजी के एक दफा स्लो ओवर गेंद यहाँ पे, अंपायर से दांत मांगी विकेट के लेकिन अंपायर ने करा डॉट गेंद, स्कोर का खात्मा ओवर के खात्मे पे, टीम का स्कोर है 24 रन। अपने ओवर में सिर्फ 4 रन यहां पे खर्च किए यहां पे फरहान ने, बेहतरीन गेंदबाजी। कहा ना कहा जो पहले ओवर में 20 रन आए थे उसके बाद एक बड़े रश की तरफ चलते हुए वहूर की टीम लेकिन नाकाम रही दूसरी ओवर में, बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा यहाँ पे देखने मिला फरहान के गेंदबाजी से। एक अपने अच्छे टप्पे पे गेंदबाजी कर रहे थे मिशन करते हुए अपने गेंदबाजी में स्लो फास्ट का, वहां पे बल्लेबाज नाकाम रहे लंबा हिट लगाने में। अब देख रहा होगा समी अभी भी जो ओपनर के रूप में गए थे वहां भी क्रीज पे मौजूद है, एक सम्मानजनक स्कोर तक अपनी टीम को ले जाना होगा वहां पे समी को, देख रहा होगा समी कैसे बल्लेबाजी करते हैं और उनका साथ देते हुए एक बेहतरीन ऑलराउंडर जो महार तारुके से बिलोंग करते हैं फहद पटेल, देख रहा होगा वो कैसा योगदान करते हैं अपनी टीम के लिए। अब देख रहा होगा तीसरी ओवर लेके शाइन गोंदकर की तरफ से कौन आता है, बॉलर नेम प्लीज। कई टीम के जानिब से तीसरी ओवर लेके कैस
अपने कोटि की पहली ओवर लेके टीम के जानिब से तीसरे ओवर लेके कैच देकर हवा कैसी गेंदबाजी करते हैं समी के लिए। समी एक बेहतरीन बल्लेबाज, यहाँ पे अच्छी बल्लेबाजी यकीनन इससे पहले के राउंड में बेहतरीन बल्लेबाजी की थी वहाँ पे समी ने। यहाँ पे तेज हवाएं चलते हुए इस ग्राउंड पे यकीनन एक राइट हैंड बैट्समैन के लिए इसका भरपूर फायदा मिलता हुआ, अच्छे से अगर बल्ले पे कनेक्ट कर देंगे गेंद को तो यकीनन जो सुबह का सेशन होता है उसमें लेफ्टी के लिए बहुत फ़ायदा होता है यहाँ पे, क्योंकि हवा जो चलती है वो वहाँ पे लेफ्टी के लिए फ़ायदेमंद होती है। अब राइट ही के लिए देख रहा होगा समी किस अंदाज से बल्लेबाजी करते हैं। तीसरी ओवर लेके कैस अपने कोठी की पहली ओवर लेके टीम के जानब से तीसरी ओवर लेके राइट आर्म राउंडर विकेट से एक छोटा सा रन उनके सामने समी। समी देखना होगा किस अंदाज से बल्लेबाजी करते हैं कैस की जानब से। कैस अब तो धीमे धीमे कदम चले अंपायर को पार किया, विकेटों को पार किया, इस दफा स्लोवर गेम इसे शॉट लेके उसके लेके दिशा में खेला है छह रनों के लिए गेंद सीमा रेखा के पार। खराब गेंदबाजी यहाँ पे, शॉर्ट ऑफ लेन की गेंदबाजी आप यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि हवा चलती है उसका भरपूर फायदा यहाँ पे उठा। सिर्फ उस गेंद को दिशा दी और स्क्वायर लेग के ऊपर से छह रनों के लिए भेजा इस गेंद को। देख रहा होगा दूसरी गेंद कैसी करते हैं समी के लिए। समी जा रहा ना मूड में हल्की से फील्डिंग में सजावट करते हुए उसका लेग का फील्डर पीछे आता हुआ देख रहा होगा एक्स्ट्रा फाइन लेग की दिशा में। देख रहा होगा फिर से एक दफा कैसे और इस दफा फिर से उठाया है गेंद हवा में है और गेंद सीमा रेखा के पार छह रनों के लिए बेहतरीन। यहाँ पे दो गेंदों में दो बड़े हिट यहाँ पे निकलते हुए समी के बल्ले से, लेकिन वहां पे फरहान ने दूसरी ओवर में खामोश रखा था बल्लेबाज को। फिर से एक दफा अपने हाथ खोलते हुए बल्लेबाज समी, देख रहा होगा किस अंदाज से बल्लेबाजी करते हैं समी। एक अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर सा यकीनन दिलाना होगा। मेरे साथ स्कोर अनस धारेकर बताते हुए 36 टीम का स्कोर, बेहतरीन गेंदबाजी 24 रन के दो गेंदों पे दो छक्के यहाँ पे एक दफा बेहतरीन गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर और यकीनन यहाँ पे लौटा होगा समी को। बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पे कमबैक किया यहाँ पे गेंदबाज ने कैस ने, बड़ा झटका लगता हुआ ओवर की टीम को समी के रूप में। अब समी की जगह संभालने अदनान, देख रहा होगा अदनान किस अंदाज से बल्लेबाजी करते हैं, क्या समी के नक्शे कदम पे वैसे ही बल्लेबाजी कर पाएंगे या कि ना एक अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी अगर अपने टीम को सम्मानजनक स्कोर तक ले जाना होगा। अच्छी यहाँ पे बल्लेबाजी की है समी ने अपने टीम के लिए, तीन बड़े हिट लगाए थे लेकिन अपने साथ ही स्कोर को एक लंबे स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए, यकीन नाराज हो गए समी वहां पे। आप देख रहा होगा अदनान किस अंदाज से बल्लेबाजी करते हैं, फहद और अदनान दोनों एक नए बल्लेबाज यहां पे अपने क्रीज पे दिखते हुए। स्ट्राइक पर है अदनान, नॉन स्ट्राइक पर फहद, दो गेंदों पे दो छक्के खाने के बाद अच्छा कमबैक किया वहां पे कैस ने। अब चौथी गेंद अदनान के लिए, अदनान पहली दफा कैस की गेंदबाजी का सामना करेंगे यहाँ पे। कैस फिर से और पिच लाइन की गेंद इसे भेजा है लॉन्ग ऑन के ऊपर से छह रनों के लिए सीमा रेखा पर, एक लंबा हिट यहां पे निकलता हुआ। जी हाँ बेहतरीन हिट और पिच लाइन की गेंद जो फुल लेंथ गेंद होती है, ज्यादा हिट कर रहे हैं यहाँ पे गेंदबाज, बल्ले के नीचे गेंद को दार रहे उसका भरपूर फायदा वहां पे उठा रहे बल्लेबाज, लेकिन लंबा हिट लगाने में भी चूक नहीं रहे। फिर से दफा काफी महंगा ओवर यहाँ पे साबित होता हुआ कैस का, चार गेंदों में 18 रन खर्च किए एक विकेट तो लिया लेकिन काफी महंगे आवे विकेटों को पार किया। फिर दफा फिर से और पिच लाइन के गेंद से सीधा गेंदबाज के सर के ऊपर से मारा छह रनों के लिए आउट ऑफ द पार्क, छह रनों के लिए। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पे देखने मिल रही है, जाराना मूड में अभी अभी क्रीज पे गए अदनान और दो गेंदों में दो बड़े हिट लगाए यहाँ पे। यकीनन यहाँ पे मुश्किलात बढ़ती हुई शाहीन गोनवर की टीम के लिए, पहला ओवर मुसीब ने काफी खर्चीले साबित हुए थे, उसके बाद जो कमबैक यहाँ पे दिलाया था फरहान ने अपनी गेंदबाजी में, लेकिन यकीनन नाराज यहाँ पे हो गए खुद कप्तान मुसीब उस गेंदबाजी का भरपूर फायदा उठाते हुए। कमजोर गेंदबाजी यहाँ पे देखने मेरे आखिरी गेंद लेके क्रेस फिर से फुल टॉस लाइन के गेंद घुट्टा टेका और इसे गेंद को भी भेजा है लॉन्ग ओवर के ऊपर से छह रनों के लिए। यकीनन हमारे यहाँ
मसला के नगर सेवक सुफियान भाई हल्दे, इनके जानिब से बल्लेबाज के लिए 100 रुपए का इनाम यहाँ पे आया है। बेहतरीन बल्लेबाज यहाँ पे देखने मिली अदनान की, दर्शकों को खुश करते हुए बल्लेबाजी यहाँ पे अदनान की, 100 रुपए का इनाम यहाँ पे आया हुआ है सुफियान भाई हल्दे की जानिब से। क्या बल्लेबाजी का मुजाहरा, क्रीज पे उतर रही थी और 3 गेंदों में 3 बड़े हिट 30 रन खर्च किए यहाँ पे गेंदबाज कैस ने। यकीनन पहले 2 गेंदों पे 6 रन खाए थे, 2 छक्के खाए थे, उसके बाद अच्छा कमबैक किया था, समी जैसा एक बड़ा विकेट हासिल किया था, लेकिन अदनान भी कुछ कम नहीं, अदनान ने यहाँ पे साबित किया है। 3 गेंदों में स्कोर जहाँ पहुंचा 54 लॉस्ट ऑफ 2 विकेट्स। आखिरी ओवर के बॉलर नेम बॉलर नेम प्लीज उजेफा। आखिरी ओवर लेके अपने कोटे की पहली टीम के जाने से आखिरी ओवर लेके आया, लो फुल टॉस, बैट के लंबा हिट लगाने रन आउट का खतरा यहां पे, लेकिन हिट नहीं कर पाए यहां पे। बेहतरीन गेंदबाजी, अच्छी गेंद यहां पे डाली थी यहां पे उजेफा ने, देख रहा होगा 5 गेंदें निर्णायक गेंद गेंदें होगी, कैसी गेंदबाजी करते हैं उजेफा, काफी बड़ा लक्ष्य यहां पे खड़ा होता हुआ। 54 रन अभी तक हो चुके हैं, आखिरी 5 गेंद आना बाकी इस इनिंग की, देख रहा हूँ उजेफा एक लंबा रन अप धीमे धीमे कदमों से आते हुए यहाँ पे अंपायर को पार किया, विक्टर को पार किया, इस दफा स्लोअर गेंद, ओहो इस गेंद को भेजा है मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए सीमा रेखा के पार, दंदना कर करारा छक्का, लो फुल टॉस गेंद, खुट्टा टेका और इस गेंद को भेजा, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पे 60 रन। अगर फहद पटेल भी हैट्रिक पूरी करते छक्कों की तो 100 रुपए दिए जाएंगे सुफियान भाई हल्दे की जगह से। फिर से दफा उसे फास्ट ओवर गेंद यहाँ पे, बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी, लेकिन अच्छा कमबैक किया है, 3 गेंदे देख रहा होगा कैसी करते हैं उजेफा, पहली गेंद अच्छी डाली थी, दूसरी गेंद भी ब्लॉक होल में डालने का कोशिश था लेकिन वहां पे नाकाम रहे, हल्का सा फुल टॉस करा बैठे थे उस गेंद का और उसका भरपूर फायदा उठाया था यहाँ पे फहद ने। अब 3 गेंद आना बाकी, देख रहा होगा फहद किस अंदाज से बल्लेबाजी करते हैं, टीम का स्कोर 60 रन। चौथी गेंद लेके अभी भी ऑफर बरकरार है, 3 गेंदों में अगर 3 छक्के लगाते तो 100 रुपए दे देगा। फिर से दफा अच्छी गेंद, हेलीकॉप्टर उड़ना चाहते थे, नाकाम रहे यहाँ पे रन आउट यहाँ पे फहद, यकीन अपना विकेट यहाँ पे सेक्रीफाइस करते हुए अदनान के लिए, क्योंकि अदनान जिस हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं 3 गेंदों में 3 छक्के लगाए तो उसके बाद ओवर का खात्मा हुआ था, नॉन स्ट्राइक पर ही थे 3 गेंदे, 4 गेंदे वहां पे फहद ने खेली है, 1 छक्का लगाया पर 4 गेंदे वहां पे खेली फहद ने, यकीनन अपने बल्लेबाजी से खुश नहीं होंगे वहां पे फहद जिस अंदाज से बल्लेबाजी करते, आज कहीं ना कहा वहां पे उतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए थे फहद, देख रहा होगा अब उनकी जगह संभाल ले बैट्समैन नेम, बैट्समैन नेम प्लीज हर्षी। 5वीं गेंद लेके उजेफा, देख रहा होगा अदनान के लिए क्या बचाव का छक्का लगा पाएगा, क्या बढ़िया हिट यहां पे निकलता हुआ मिड ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए गेंद हवाई यात्रा पे, 4 गेंदों पे 4 छक्के लगाए अदनान ने, क्या बल्लेबाजी यहां पे, और एक अगर छक्का लगाते हैं तो सुफियान भाई हल्दे के जानिब से और 100 रुपए दिए जाएंगे, पहले ही 100 रुपए के हकदार यहां पे हो चुके थे हैट्रिक 6 पे, लेकिन अगर आप दूसरा छक्का भी मुकम्मल करते कंटिन्यू 5वां छक्का लगा दे तो और 100 रुपए दिए जाएंगे। देख रहा होगा आखिरी गेंद लेके इस इनिंग की उजेफा, इस दफा भी एक लंबा हिट लगाना चाहते हैं, नाकाम रहे, लो फुल टॉस लाइन की गेंद थी लेकिन यहां पे 22 के रुपए 2 रन मिलेंगे। इनिंग का खात्मा, 4 ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर 68 रन यहां पे बनाए है। अगर इस सर मैच को अगर जीता होगा तो शाहीन गोनगर को 69 का यहां पे लक्ष्य दिया है, लेकिन वहां पे 5 बॉल खेली है अदनान ने और 4 छक्के लगाए 24 रन बनाए, यकीन है ना
आखिरी गेंद पे भी वहां पे मौका था एक लंबा हिट लगाने का, लेकिन चूके वहां पे लो फुलटॉस लाइन की गेंद थे, लेकिन बेहतरीन योगदान अपने टीम के लिए। यहाँ पे जो अदनान ने 3 छक्के लगाए थे इनिंग के बाद आके, मैच के बाद आके अपना इनाम ले यहाँ पे, कि बहुत अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे गोंडवर के टीम में मौजूद है। मुसेब जैसा एक ऑल राउंडर खिलाड़ी इस टीम के अंदर मौजूद है, साहिल जैसा बल्लेबाज भी मौजूद है। देख रहा होगा किस अंदाज से बल्लेबाजी करते हैं यहाँ पे। नाइन रनों का लक्ष्य यहाँ पे दिया है कोनगर की टीम के लिए। मसला नगरी चे प्रथम नागरिक नगराध्यक्ष माननीय असल कादरी यांचं आगमन झालेलं आहे, कृपया करून आपण मंचावर यावे। जी हाँ, यहाँ पे असल भाई कादरी का आगमन होता हुआ। खून घर अपने बल्लेबाज ग्राउंड पे नमूदार करे। पे सलामी बल्लेबाज इनिंग का आगाज करने के लिए मुसेफ और उनके साथ अरिफ। देख रहा हूँ किस अंदाज से बल्लेबाजी करते हैं, यकीनन एक बड़ा लक्ष्य यहाँ पे। सिक्सटी नाइन रनों का लक्ष्य यहाँ पे दिया है। क्या हमारे दो बेहतरीन अंपायर ग्राउंड के अंदर सुफियान जंजीरकर मेन अंपायर का काम अंजाम देते हुए और उनका साथ देते हुए राजा पेनकर जो लेग अंपायर है यहाँ पे। देख रहा होगा अब कैसा इस लक्ष्य को पूरा करती है गोंगर की टीम। यकीनन मुसेफ में वो क्षमता है। बॉल बॉल इरशाद भाई, बॉल इरशाद भाई, इरशाद भाई, बॉल बॉल दे अंदर। इससे पहले का भी जो मुकाबला हुआ था 68 रनों का लक्ष्य दिया था मॉर्निंग स्टार की टीम को, वैसा ही कुछ लक्ष्य यहाँ पे कोनगर के लिए 69 रनों का।
चले चलते हैं ग्राउंड की तरफ दूसरी इनिंग का। दूसरी इनिंग चालू होती हुई मुझसे पहली गेंद का सामना करेंगे फहद पटेल की गेंदबाजी का देख रहा होगा फहद पटेल किस अंदाज से गलत गेंदबाजी करते हैं। राइट आर्म विकेट से हाथ दफा मुसेब को वाइट का दत्मंग अंपायर सुफियान का इशारा वाइट बॉल ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद यहां पे वाइट इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर में इजाफा स्कोर खोलता हुआ एक रनों से 69 रन यहां पे बनाने होंगे शाहीन गोनगर की टीम को अगर इस मैच को जीतता होगा तो। देखना होगा किस अंदाज से फहद गेंदबाजी करते हैं बेहतरीन गेंदबाज माने जाते हैं फहद फहद अपने धीमे धीमे चले मुसेब के लिए मुसेब उतने बेहतरीन बल्लेबाज और पिच लाइन के गेंद इस गेंद को उड़ाया है फील्डर इस गेंद के नीचे लेकिन फील्डर बने दर्शक छह रनों के लिए गेंद मिडऑन के ऊपर से छह रनों के लिए मुसेब ने अपना अपना खाता खोला छह रनों से। इसके बाद होने वाला मुकाबला पाबरा और हरवित दोनों ही कप्तानों से गुजारिश है कि कमेंट्री बॉक्स में आए पाबरा और हरवित। जी हाँ यहाँ पे फहद के गेंदबाजी का स्वागत किया छह रनों से यहाँ पे मुसेब ने हमने कहा था बेहतरीन बल्लेबाज दोनों ही एक महा तारुके से बिलोंग करता हुआ तो दूसरा मसला तालुके से फिर से दफा फहद और इस दफा थोड़ा हल्का सा कदमों का इस्तेमाल किया था इस गेंद को मिडऑन की दिशा में खेला है एक रन चुराया दूसरा रन चाहते वहां पे लेकिन आरिफ ने मना किया स्कोर में इजाफा स्कोर जहाँ पहुंचे सात रन आठ रन सॉरी। अब पहली दफा फहद की गेंदबाजी का सामना करेगी यहाँ पे आरिफ देख रहा होगा आरिफ किस अंदाज से बल्लेबाजी करते हैं फहद आरिफ ले विकेट को पार किया गेंद डाली और पिच लाइन की गेंद एक लंबा हिट यहाँ पे लगाया है और फिर से दफा मिडऑन के ऊपर से छह रनों के लिए गेंद करारा स्ट्रोक यहाँ पे देखने मिला आरिफ के बल्ले से यकीनन यहाँ पे कमजोर गेंदबाजी और पिच लाइन की गेंद यहाँ पे कर रहे हैं फहद और उसका भरपूर दोनों बल्लेबाजों ने फायदा उठाया महंगा यहाँ पे और खट्टा हुआ पावर प्ले का यकीनन वहां पे एक फील्डर रखा हुआ है मिडऑन की जानिब लेकिन उसके ऊपर से गेंद जाती हुई छह रनों के लिए फिर से दफा फहद देख रहा होगा धीमे धीमे से राइट आर्म ऑर्डर से अंपायर को पार किया विक्टर को पार किया इस दफा अच्छी गुड लेंथ पे इस गेंद को हिट किया था यकीनन लंबा हिट लगाना चाहते नाकाम रहे यहाँ पे आरिफ डॉट करा बैठे इस गेंद को फहद स्कोर वही पे थमा हुआ 14 रन आखिरी दो गेंद आना बाकी इस ओवर की टीम के जानिब से अपने पहला ओवर लेके आए अपने कोठे का पहला ओवर लेके फहद चार ओवर पे मुश्तमिल ये मैच एक बड़ा लक्ष्य यहाँ पे रखा है वहूर की टीम ने 69 रनों का उसका पीछा करते हुए यहाँ पे गोनगर की टीम यकीन 14 रन बनाए फिर से पांचवी गेंद लेके यहाँ पे फहद बेहतरीन गेंद ब्लॉक होने में इस गेंद को डाला एक रन चुराया यहाँ पे रनआउट का खतरा यकीनन एक ही रन से संतोष होना पड़ेगा स्कोर में इजाफा स्कोर जहाँ पहुंचा 15 रन अभी भी आखिरी गेंद से ओवर का आना बाकी यकीनन एक लंबा हिट लगाना होगा मुसेब को अगर इस आखिरी पावर प्ले की गेंद का फायदा उठा रहा होगा तो। यकीनन जिस अंदाज से समी ने और अदनान ने बल्लेबाजी की थी वैसी बल्लेबाजी यहाँ पे करने होगी मुसेब को फहद आखिरी गेंद लेके राइट आर्म ओवर विकेट से फिर फुल टॉस लाइन की गेंद लेकिन नाकाम रहे यहाँ पे मिडऑन की जाने पे खेला है एक रन चुराया आसानी के साथ एक रन मुकम्मल यहाँ पे इस एक रन की मदद के साथ और खत्म एक ओवर के खात्मे पे टीम का स्कोर 16 रन। अभी 53 रन बनाने हो गए आने वाले 8 गेंदों पे
दूसरी ओर लेके अदनान मुसेब के लिए फुल टॉस लाएंगे गेंद। इस केन को मिड विकेट के ऊपर से भेजा है 6 रनों के लिए सीमा रेखा के पार। दंदनाबा कर और छक्का यहाँ पे लगता हुआ मुसेब के बल्ले से। हमने कहा था बेहतरीन बल्लेबाज है मुसेब, इनमें क्षमता है वो एक लंबे लंबे हिट लगाने की, अपने टीम को जीत दिलाने की। देख रहा हूँ यकीन है वहाँ पे गेंदबाजी में प्रभावित नहीं कर पाए थे मुसेब, लेकिन बल्लेबाजी में प्रभावित कराते हुए वहाँ पे मुसेब देख रहा होगा दर्शकों को किस अंदाज से बल्लेबाजी करते हैं। दो छक्के यहाँ पे लगाए मुसेब ने। अदनान यकीन एक ब्लॉक हेड में इस गेंद को डालना चाहते हैं लेकिन वहाँ के नाकाम रहे। फुल टॉस लाइन की गेंद करा बैठे, उसका भरपूर फायदा उठाया मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए गेंद को भेजा। फिर से दफा अदनान अपनी कोटे की पहली ओर लेके टीम की जानिब से दूसरी ओर लेके अदनान धीमे धीमे से चले राइट आर्म ओवर द विकेट से विकेटों को पार गई था। फिर से एक दफा दिशाहीन गेंद, यकीन अंपायर का इशारा वाइड बॉल प्लस बाय के सूरत में 2 रन मिलेंगे, टोटल 3 रन, 3 रन अतिरिक्त यहाँ पे मिलेंगे। स्कोर जहाँ पहुंचा 25 लॉस्ट ऑफ 0 विकेट। यकीनन काफी तेज गेंद थी लेकिन टप्पा नहीं सही था। अदनान एक गेंद पे 9 रन खर्च करने का फिर से दफा राइट आर्म राउंड विकेट से मुसेब के लिए। इस दफा बेहतरीन गेंद जर में डाला था, इस गेंद को हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे मुसेब लेकिन वहां पे नाकाम रहे। डॉट करा बैठे यहां पे अदनान, बेहतरीन गेंद, ऐसी गेंदबाजी करनी होगी अदनान को अगर अपने टीम को जीत दिलानी होगी और मुसेब को लंबे लंबे हिट दिलाने होंगे अगर गोंडगर की टीम को जीत दिलानी होगी। तो देख रहा होगा बेहतरीन यहाँ पे जंग नजर आती हुई गेंदबाज और बल्लेबाज के दरमियान किस अंदाज से बल्लेबाजी करते हैं मुसेब। फिर से एक दफा अदनान चले राइट आर्म राउंड विकेट से विकेटों को पार किया, इस दफा स्लोअर गेंद, फिर से एक दफा जर में डाला डॉट करा बैठे बेहतरीन। 2 गेंदे यहाँ पे बेहतरीन, यकीन है ना अच्छी कोशिश वहां पे और उसमें सफलता मिलती हुई वहां पे अदनान को। बेहतरीन गेंदबाजी यहां पे देखने मिल रही है अदनान को, यकीन हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे यहां पे मुसेब को। देख रहा होगा किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, बांधे रखा है यहां पे मुसेब को। चौथी गेंद लेके अदनान, फिर से दफा राइट आर्म राउंड विकेट से मुसेब के लिए। इस दफा शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद है, इसे उड़ाया है फील्डर्स गेंद के नीचे लेकिन एक बाउंस खाने के बाद सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए गेंद, सॉरी 4 रन। एक टप्पा खाने के बाद काफी उछलती हुई गेंद यहां पे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। फिर से दफा अदनान मुसेब के लिए, अदनान देख रहा होगा किस अंदाज से गेंदबाजी। शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद, बेहतरीन गेंद, सलामी देती हुई कान को वहां पे गए। बेहतरीन गेंद, आखिरी गेंद शोर का आना बाकी, फेंक रहे अदनान यकीनन पहला गेंद छक्का खाने के बाद 3 अतिरिक्त रन दिए थे लेकिन वहां पर बेहतरीन कमबैक नजर आता हुआ, एक चौका भी दिया है लेकिन अच्छा कमबैक यहां पे अदनान। दूसरी ओर की आखिरी गेंद लेके मुसेब के लिए, देख रहा होगा आखिरी गेंद का कैसा सामना करते हैं मुसेब। एक लो फुल टॉस लाइन की गेंद, गेंदबाज के सर के ऊपर से खेला वहां पे 1 रन चुराया, यकीनन एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन की मदद के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर जहां पहुंचा 30 रन लॉस्ट ऑफ 0 विकेट, 2 ओवर के खाते पे स्कोर है 30 रन। अभी भी आने वाले 12 गेंदों में 39 रन बनाने होंगे।
पहला झटका लगता हुआ वहां पे मुसेफ के रूप में। तीस रन पे पहला झटका लगता हुआ मुसेफ के रूप में। ताबिज ने पहले ही गेंद पर सफलता हासिल की। दूसरा विकेट लगता हुआ यहाँ पे उठा के खेला उसके नीचे फील्डर मौजूद, आसानी से एक रन मुकम्मल किया। गेंदबाजी कर रहे हैं ताबिश, स्कोर यहाँ पहुंचा है 31, लॉस ऑफ टू विकेट। बैट्समैन ने ताबिश चले राइट आर्म ऑर्डर विकेट से आरिफ के लिए आगे आके खेलना चाहते थे। डॉट गेंद, स्कोर वही थमा हुआ 31 रन। गेंदबाजी कर रहे ताबिश, लो फुल टॉस लाइन की गेंद थी उसे उठा के खेला, इसके नीचे फील्डर मौजूद, आसानी से एक रन मुकम्मल किया। इसे एक रन की मदद से स्कोर में इजाफा, स्कोर जा बचा 32, लॉस ऑफ टू विकेट। जैन इलेन होवर की तरफ से ताबिश गेंदबाजी कर रहे हैं राइट आर्म और द विकेट से, कारपेट के सारे खेल लगा शॉट, उसके नीचे फील्डर मौजूद, आसानी से एक रन को मल किया। इस एक रन की मदद से स्कोर में इजाफा, स्कोर जा बचा 33, लॉस ऑफ टू विकेट। तीन ओवर के इख्तिताम पे पाबरा के कैप्टन हरविट के कैप्टन टॉस खेले आ जाए। हरविट के कैप्टन हरविट के कैप्टन टॉस खेले आ जाए हरविट। उठा के खेल रहा है गेंद जा रही, वन बॉल सी मारे चपार, ये तो चौका। इस चार रन की मदद से स्कोर में इजाफा, स्कोर यहां पहुंचा है
37 गेंदबाजी मोर्चे पर सनी राइट टर्म ऑटो के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं सनी। चले धीमे धीमे कदम से दबाना शुरू किया, एम्पायर को पार किया, टोकोवर से गेंद डाली, उठा के खेला, उसके नीचे फील्डर मौजूद, गेंद जा रही है, दंडनाते हुए चार रन के लिए, ये तो चौका। सनी राइट एम ऑटो गेट फिर से काट पेट का सारे खेल रहा शॉट, उसके नीचे फील्डर मौजूद, रन आउट का चांस। राइट हम ऑटो के से चले, उठा के खेला, गेंद जा रही है दर्शक दुर्गा में, छे 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 रन के लिए, बेहतरीन बल्लेबाजी वहां पे हो रही है। इसी तरह की बल्लेबाजी करनी होगी, दो गेंद शेष है, देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। सनी आखिरी गेंद शेष, सनी की राइट हम और स्टैंड से गेंदबाजी करेंगे सनी। सनी अपने गोटे की आखिरी गेंद लेकर राइट टर्म राउंड विकेट से, बहुत बहुत मुबारक हो, वो हमने इस मैच को जीता है।